इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। रायपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर सीएम भूपेश की बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज संस्कृति और पर्यटन विभाग की करेंगे समीक्षा, राम वन गमन पथ परियोजना की भी लेंगे रिपोर्ट, गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे राशि। आपको बता दें राम वन गमन पथ परियोजना की भी लेंगे रिपोर्ट, गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे राशि। रायपुर से ये बड़ी खबर, सीएम भूपेश की बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज वो फिर से बैठक करने वाले हैं। सीएम भूपेश की बैठकों का दौर जारी है, सीएम भूपेश आज भी बैठक करेंगे। आपको बता दें संस्कृति और पर्यटन विभाग की करेंगे समीक्षा और इस दौरान राम वन गमन पथ परियोजना की भी लेंगे रिपोर्ट, गौधन न्याय योजना के लिए हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे राशि। आपको बता दें सीएम भूपेश की बैठकों का दौर लगातार जारी है, सीएम भूपेश लगातार इस महामारी में बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज संस्कृति और पर्यटन विभाग की भी समीक्षा करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अर्पिता लाइव जुड़ चुकी है। अर्पिता, आज सीएम भूपेश बघेल बैठकें करेंगे, क्या कुछ अहम होगा इस बैठक में? अंकिता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल तरन्नुम, क्योंकि देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठक में अलग अलग विभागों की बैठक जो है वो चल रही है और आज जिस तरह से जो बैठक का दौर है उसमें आज जो है संस्कृति और पर्यटन विभाग का महत्वपूर्ण बैठक होने वाला है। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक में राम पथ गमन की जो प्रगति है उसको लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में भगवान राम कहाँ कहाँ अपने कदम रखे थे, वहां पर एक अलग से मंदिर बनाने की तैयारी जो है वो प्रदेश में चल रही है, तो ऐसी स्थिति पे क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर समीक्षा जो है वो होने वाली है। देखिये कोविड काल के बाद पर्यटन स्थल पूरी तरीके से बंद था कोविड काल में, अब देखिए कोविड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सभी तरीके से प्रदेश को धीरे धीरे अनलॉक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए विभाग किस तरह से काम कर रहा है इसको लेकर भी बैठक में जो है वो चर्चा होगी। और लगी रही बात संस्कृति की, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ आगे, क्योंकि देखिए सरकार के 2.5 साल तरन्नुम पूरे हो चुके हैं और आगे 2.5 सालों में सरकार क्या कुछ करने वाली है इसको लेकर भी बैठक में जो है वो चर्चा होने वाली है। करीब 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो उस बैठक में शामिल होने वाले हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल खुद इस बैठक में चर्चा करेंगे और साफ तौर पर जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं के खाते में राशि का भी अवतरण करेंगे, यानी कि जिस तरह से गौधन न्याय योजना के तहत जो लोग गोबर व्यापार विक्रेता हैं जिन्होंने गोबर बेचा है उनकी अकाउंट में फिर से आज पैसे जाने वाले हैं जो सरकार जिनसे खरीदे हुए हैं। उसके अलावा भी करीब बात करेंगे तो अपने निवास में 12 से 2 बजे तक आयोजित बैठक में जो है ओबीसी गणना सहित संस्कृति विभाग की पर्यटन विभाग में राम पथ गमन पथ की प्रगति संबंध में टोटल मतलब कि आज जिस तरह की समीक्षा बैठक है तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण बात है कि गौधन न्याय योजना के गोबर विक्रेताओं की राशि आज उनके अकाउंट में जाएगी। जी तरन्नुम।